जिला के पातू रोड पर स्थित गंगानगर परिसर में पिछले 3 दिनों से जारी दीनी तबलीगी इज्तिमा का समापन दिल्ली से आए मौलाना मोहम्मद शमीम साहब की सामूहिक दुआ से हुआ। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह हमें नेक और एक बनाते हुए सारी जिंदगी उसकी बंदगी करने तथा हमें नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीकों को न केवल अपनाने बल्कि उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ के हर शब्दों पर लाखों मुस्लिम आमीन कह रहे थे। सामूहिक दुआ के बाद जत्थों की रवानगी का सिलसिला आरंभ हुआ। इज्तिमा में शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों के मुस्लिमों ने शनिवार से ही इज्तिमा गांव पर डेरा डाल रखा था। सोमवार को मांगी गई सामूहिक दुआ में शहर के अन्य नागरिक लाखों की तादाद में शामिल हुए। इस दौरान इज्तिमा गांव मार्ग पर राहगीरों सहित दुपहिया एवं तिपहिया और चौपहिया वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। अकोला के रेलवे स्टेशन के अलावा पुराना एवं नया बस स्टैंड से ऑटो रिक्शा के निशुल्क सेवा उपलब्ध होने से नागरिकों को सामूहिक दुआ में शामिल होने में काफी सहूलियत मिली। सामूहिक दुआ के बाद मुस्लिमों ने इज्तिमा गांव पर उपलब्ध निशुल्क अल्पोहार और चाय का आनंद लिया। साथ ही इज्तिमा गांव के बाजार से अपनी जरूरत का सामान खरीद कर घर ले गए। कुल मिलाकर अकोला का 3 दिवसीय दीनी तबलीगी इज्तिमा का शांति एवं अमन के साथ समापन हुआ। इन बिस्तर न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट।